हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे। सो कुछ टाइम पहले मैंने बताया था मैं कुछ DIY वगैरह करने वाली हूँ। सो फाइनली वो वीडियो आ गया है, तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही किया है, एक साथ पूरा एक दिन में नहीं किया है। सो यहाँ पे मैं आपके साथ अपना किचन मेकओवर वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत कुछ नहीं किया है, किचन काउंटर टॉप पे ही थोड़ा बहुत कुछ कुछ चेंजेस किए हैं, बहुत थोड़े बहुत, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो सबसे पहले तो हमारे यहाँ जब हम जैम लाते हैं या अचार वगैरह लेते हैं बाहर से, तो इस तरीके की जो बॉटल होती हैं, ग्लास बॉटल, वो कलेक्ट हो जाती हैं और उसमें हम ऐसे ही सामान रख लेते हैं। थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए ना मैंने क्या किया, ये सारे जो इनके लिड थे, ढक्कन है, वो ले लिए हैं और इन्हें ना ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है। तो पहले तो मैंने एक स्पॉन्ज की हेल्प से किया था, कोई भी कलर आप कर सकते हो, बट मैंने इस तरीके की जो ग्लास बॉटल है ना, वो ऑनलाइन देखी है अमेज़ॉन पे, उसकी ना लिड ब्लैक कलर की थी, तो फिर इसलिए मैंने ब्लैक की है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं हुआ था, बट मेरे पास उस टाइम पे ब्रश नहीं था। फिर शशांक दोपहर में लेके आ गए थे, तो मैंने इसके ऊपर से डबल कोट कर दिया एक बार, और फिर वॉर्निश जो उनको मिला वो वाला ले आए थे, तो यहाँ पे एक कोट मैंने वॉर्निश का कर दिया है ताकि ये अच्छे से सेट रहे, निकले ना और शाइनिंग भी रहे। इस तरह की जो स्पून वगैरह, जो करछी वगैरह रहती है ना, तो ये मैंने ना सेट ऑफ 4 या 5 लिया था, तो ये मैंने इनमें से एक ही यूज़ किया है और वो ना मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। काफ़ी टाइम तक मैंने यूज़ किया है, पर इसमें क्या डिसएडवांटेज है ना कि ये एक टाइम के बाद ना मेल्ट होने लगता है। तो वो वाला जो हम यूज़ करते आए हैं ना, तो बबरा वगैरह इस टाइप की चीज़ जो हम बनाते थे तो वो यूज़ करते थे, तो वो मेल्ट हो रहा है, तो इस कारण से हमने बाकी के कोई भी यूज़ नहीं किए हैं। और ये फालतू तो ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका थोड़ा सा मेकओवर वगैरह किया जाए, इनको एज अ डेकोरेशन मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने इन्हें एक बार वाइट कलर से इस तरीके से पेंट कर दिया है, और ये मेरे पास फेब्रिक कलर रखे हुए थे, एक्रिलिक कलर, तो काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इन्हीं से इन्हें पेंट कर देती हूँ। तो एक में मैंने रेड कलर कर दिया है, एक में मैं करने वाली हूँ येलो कलर, और बस इसमें और भी डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं बारीकी से, बट मैंने सिर्फ नॉर्मली से कलर कर दिया है। कभी नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगी तो फिर देखती हूँ, अभी तो मैंने इन्हें कलर कर दिया है और उतने में ही ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अगर हम थोड़ा सा अपना टाइम दें और थोड़ी सी मेहनत करें ना, तो हमारे घर पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं ना, उन्हीं को हम बेटर बना सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेबल दिखा सकते हैं, अपना जो है घर जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरे किचन में तो उतना स्पेस नहीं है, काउंटर टॉप पे भी उतना स्पेस नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत चेंज कुछ कुछ करती रहूँ, ताकि हमारा जो है मन लगा रहे काम करने में, थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं ना जब हम, तो फिर हमें भी अच्छा फील होता है। तो ये मेरे पास जो कुछ ग्लास बॉटल थी ये वही है, तो कुछ की तो ये हमने स्टिकर निकाल दिए हैं, कुछ के निकालना है वो मैं निकाल दूंगी, बट अभी आपको दिखा दूं कि ये जो लिड है इनकी, ये पेंट होने के बाद कुछ इस तरीके की दिख रही हैं। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये आइडिया। ये रैक काफ़ी यूज़फुल है, जो मैं डीमार्ट से लाई थी, तभी से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा है और एकदम मजबूत भी है, इसे आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, मैं इसे किचन काउंटर टॉप पे ही यूज़ करती हूँ। एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ये भी हमने नेट लेके आए थे बाहर से, इसके साथ जो टेप मैंने साइड में लगाया हुआ है
वो भी मिलता है। ये भी काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि विंडो में ना बहुत ज़्यादा डस्ट भी आती है, बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह भी आते हैं, बहुत सी दिक्कतें होती हैं। इस कारण से हमें विंडो खुली भी रखनी थी और इसको कवर भी रखना था, तो इस कारण से हमने ये नेट लगाया था जो कि बहुत यूज़फुल लगा हमें, बहुत अच्छा लगा। इसे बस एक ही चीज़ है कि बहुत जल्दी इसमें जो है डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा दिखने लगती, तो इसे टाइम टाइम पे क्लीन करना होता है, तो बस वो हम करते रहते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले किचन काउंटर टॉप पे मैंने रैक खाली कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे मेरी मम्मी हेल्प कर रही हैं, तो वो ये विंडो वगैरह क्लीन कर रही थी क्योंकि मुझे यहाँ पे करना है पेंट। तो लास्ट टाइम जब आपने देखा था किचन मेकओवर वगैरह मेरे जो दो तीन वीडियो आए हुए हैं, जो अलमेरा वगैरह पेंट की हुई थी, टेबल पेंट की थी, वो वाला पेंट ना तब से रखा हुआ था, तो वो मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे जो ब्राउन कलर है विंडो पे वो मैंने हटा के इसकी जगह पे वही वाला कलर जो है मैंने कर दिया है। तो मम्मी को ना ज़्यादा गंदा दिख रहा था, यहाँ पे किचन है तो वो चिकट जैसे तो हो ही जाता है, तो फिर हमने यहाँ पे जो सटक है वो लगा के अच्छे से इसे बहुत अच्छे से जो है क्लीन कर दिया है। और ये वॉलपेपर जो है ना, ये नीचे काउंटर टॉप पे जो लगा वो हमें चेंज करना ही था, तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में उसमें पानी भर गया था, तो वो इसी कारण से ज़्यादा पानी हो गया था क्योंकि हमने यहाँ पे पानी का ज़्यादा ही यूज़ कर लिया था। बस यहाँ पे मैंने अपने स्टूल रख लिया है, आराम से बैठ गई हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, और यहाँ पे मैंने अपना जो है पेंट वाला काम चालू कर दिया है। इसमें मेरी पारुल दीदी ने भी हेल्प की है, एक साइड पे मैंने किया है, एक साइड पे दीदी ने किया है, और बीच में उतना स्पेस है नहीं और हमें नेट भी लगाना है, तो फिर हमने बीच वाला जो स्पेस था वो छोड़ दिया था। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं DIY मिस्टर DIY गई थी, वहाँ से कुछ कुछ सामान लेके आई थी, तो कुछ मैंने आपको दिखाया था, ये नहीं दिखाया था, ये वाला मैं रैक लेके आई थी, तो ये मुझे लगाना है किचन में सिंक एरिया के पास क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस मैस जैसा रहता है। तो ये वाला जो रैक है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, अब देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। तो पारुल दीदी यहाँ पे ये लगा रही हैं, इसमें ना इस तरीके के एडहेसिव जो हुक वगैरह आते हैं वो हैं, इसे स्टिक करना होता है, तो बस वही हम ट्राई कर रहे थे, यहाँ अंदर साइड में लगाएं या बाहर ही लगाएं। तो यहाँ पे अंदर तो ये बहुत अंदर साइड को लग रहा था, तो फिर बाहर डिसाइड किया कि इसे बाहर वाले टाइल्स पे लगाते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके की पतली सी लेयर होती है जिसे हमें निकालना होता है और बस इसे अच्छे से स्टिक करना होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर लिया था हमने और उसके बाद यहाँ पे स्टिक किया हुआ है। तो ये लगाए मुझे लगभग 1 वीक हो गया है और ये ना निकल जाता है, उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। मैंने फेविकोल से भी जो है लगा के देखा इसको, बट ये निकल जाता है, देखते हैं एक बार फिर से स्टिक करके देखूंगी मैं, बाकी यदि स्टिक हो जाता है तो फिर बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पे ना मेरे पास ये लीफ रखी हुई थी, लंबी सी है, तो ये मैं जब मेकअप वगैरह की वीडियो शूट करती थी ना तब लाई थी, तो मैंने सोचा यहाँ वहाँ पड़ी रहती, इससे अच्छा किचन में ही एक साइड पे विंडो पे लगा देते हैं, तो अभी तो मैंने इस तरीके से लगा दी है, फिर बाद में देखते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से यहाँ पे सामान रखा हुआ रहता है, तो मैंने यहाँ पे ये सारा जितना भी सामान है ना इसको इसमें अच्छे से अरेंज कर दिया है और फिर वहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसमें नीचे ना इस तरीके से एक हैंगर जैसे मिलता है, इस पर आप किचन टॉवल वगैरह वॉश करके इस तरीके से हैंग कर सकते हो। जहाँ पे ये सारा सामान रखा हुआ रहता था ना वहाँ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और एक छोटू सा ये डस्टबिन है जो मैंने दूसरी जगह से मंगाया, शशांक से मंगवाया था, तो इसमें मैंने छोटी सी पन्नी लगा दी है जो सब्जी वगैरह में आती हैं, और मैंने इसे यहाँ प्लेस कर दिया है, जब भी हम किचन में कुछ काम करते हैं, छिलके वगैरह निकलते हैं, तो वो इसमें हम डाल देते हैं। इसके बाद एक बास्केट का यूज़ किया है, छोटी सी बास्केट, इसमें सारे मैंने जितने भी किचन टॉवल्स वगैरह हैं वो मैंने इसमें अच्छे से स्टोर करके रखे हुए हैं। ये मेरे पास ना एक सोया सॉस की बॉटल रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, तो इसे अच्छे से वॉश कर लिया था, इसके बाद इसका जो स्टिकर वगैरह सब निकाल दिया है और ये काफ़ी अच्छा इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से इसे पेंट कर दिया है, उसके बाद फिर यहाँ पे वाइट और येलो कलर लिया है। इसे यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से फ्लावर्स बना दिए हैं, ये करने के बाद नहीं काफ़ी सुंदर दिख रही थी, बट नहीं मेरे पास टिक नहीं पाई, मेरे मतलब एक हफ्ते तो कम से कम ये रख ही रही, उसके बाद फिर मुझसे ये ना फूट गई क्योंकि मैंने ये रैक ना निकाल के
और नीचे रखा तो ये मुझसे गिर गई और टूट गई। तो बट ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि आप भी इस तरीके से बॉटल का जो है रीयूज़ कर सकते हो। लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, इसी टाइम पे मेरे से ना ये बॉटल टूट गई थी। तो लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था मैंने कि ये जो हमारा वॉलपेपर था ये ख़राब हो गया था और इसे रिमूव कैसे करना है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि इसे लगाना जितना मुश्किल है ना उतना ही मुश्किल है इसे रिमूव करना ठीक से। तो बस वही मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी शशांक घर आए हुए हैं तो वो मेरी हेल्प कर रहे हैं वॉलपेपर लगाने में, और क्योंकि ये अकेले से तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, पूरा वॉलपेपर ख़राब होने का चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से आपको ड्राई कर लेना है जहाँ पे भी आपको वॉलपेपर लगाना है, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, गीला वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बार अच्छे से साफ़ कर दिया है, और इसे इस बार ना हम कोई भी जगह छोड़ने वाले नहीं हैं, अच्छे से पूरा कवर करने वाले हैं। हम नॉन मॉड्यूलर किचन को भी ना अच्छा दिखा सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। बस थोड़ा बहुत हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कहाँ क्या करना है। तो बस यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये मार्बल लगा हुआ है, इसके ऊपर से ग्रेनाइट वगैरह जो रहता है वो नहीं लगा, तो ये वीडियो में और भी ज़्यादा गंदा दिखता था। तो मुझे तो वीडियोज़ ही बनाने हैं ना, तो उसके कारण से भी, और ये मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है, इस कारण से मैं इसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहने देती। और अब जब से लगाया है ना तो इसकी आदत सी हो गई है, तो काफ़ी सफाई भी रहती है, उतना ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती है, और बस हम मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद फिर ना ये कॉर्नर्स में हमेशा छोड़ देती थी, इस बार मैंने सब कुछ कवर किया है, क्योंकि यहाँ पे चींटियाँ बहुत परेशान करने लगी हैं, बहुत मिट्टी वगैरह पता नहीं क्या क्या निकालती रहती हैं। तो बस यहाँ पे हमने ये सारा सब कुछ कवर कर दिया है, और इस बार अच्छे से वॉलपेपर लगाया है, और कोशिश करूँगी इस बार पानी वानी ना जाए, तो इसका भी मैंने इंतज़ाम कर लिया है सिंक एरिया के पास। ये एक ड्राइंग मैट है, ये मैंने आपको उस वीडियो में शेयर की थी, मिस्टर DIY से ही मैं लाई थी, ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। तो जहाँ पे वॉलपेपर एंड होता है ना वहाँ पे मैंने इसे रख दिया है, प्लेस कर दिया है, ताकि ज़्यादा पानी अंदर ना जा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा ये सोक कर ले। बस यहाँ पे मैंने जो डेकोरेशन किया था, स्पून वगैरह जो कलर वगैरह की थी वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं, लगा दी हैं अच्छे से। एक हुक और मैंने यहाँ पे साइड में लगाया है, और इन्हीं हुक के मदद से मैंने ये टांगी हुई हैं। इसमें मैंने स्टैंड टांग दिए हैं जो हम डेली पर्पज़ में यूज़ करते हैं, दूध वगैरह रखने के लिए या कोई भी चीज़ रखने के लिए। तो बस यहीं पे इन्हें मैंने हैंग कर दिया है, और ये जो है हमारा किचन काउंटर टॉप थोड़ा सा अलग दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, मुझे तो अच्छा दिख रहा है। तो बस मेरा फिर चेंज कर लो ना, कुछ कुछ तो मन लगता है। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी जो मेहनत है वो कैसी लगी, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।